Good morning students, welcome back in your science online class. So today we will start our new chapter, that is space exploration. Exploration का मतलब किसी भी चीज़ को find out करना, किसी चीज़ का पता लगाना कि उसमें, जैसे कि यहाँ है space exploration, यानी space में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन कब गया, इन सब के बारे में जो जानकारी है उसको कहेंगे space exploration. Explore करना यानी नई नई जानकारी इकट्ठी करना. What do you mean by space exploration? It is the study of space. That means इसको हम क्या बोलेंगे, study of space, यानी हम space के बारे में क्या क्या जानते हैं. To explore the universe we should know about some things which are required for the study. अब हमारे universe को explore करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें. पहला आता है टेलीस्कोप. जैसे आपका टेलीविज़न होता है, आप दूर की चीज़ों को देखते हो. तो अब टेलीस्कोप में क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीज़ों को नज़दीक यानी आसानी से देखने के लिए, जैसे सितारे हैं जो आसमान में हैं, जो स्पेस में जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो किसकी हेल्प से देखते हैं, टेलीस्कोप. एक होता है माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप तो छोटे छोटे, जो बहुत छोटे बैक्टीरिया वायरस वो होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ होते हैं, माइक्रो यानी छोटी छोटी चीज़ों को, और टेलीस्कोप यानी दूर की चीज़ें देखने के लिए. दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज फर्स्ट मेड बाई गैलीलियो. तो जिस साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया उनका नाम क्या था, गैलीलियो. ही यूज टू लेंसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस टू मेक अ टेलीस्कोप एंड ही मेड सेवरल इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज. उन्होंने जो टेलीस्कोप यूज़ किया उसमें उनके में दो लेंस हो रहे थे यूज़, है ना, डिफरेंट साइज़ के दो लेंस, यानी पास की चीज़ को दूर देखने के लिए. जैसे चश्मे में है हमारा, जो हम ग्लासेस पहनते हैं तो जिनको दूर का दिखता नहीं है उनके जो ग्लास है वो दूसरे टाइप के होते हैं जिससे उनको चीज़ें बड़ी दिखाई देते हैं. ही डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन द मून. और अभी हमने पिछले लेसन्स में जो होल्स के बारे में पढ़ा था, सरफेस के, मून के सरफेस पे जो अनइवन होल्स थे उनको हम क्या पढ़ रहे थे, क्रेटर्स. तो गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया, तो गैलीलियो की जो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन डिस्कवरी थी वो टेलीस्कोप, विच इज़ यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्रेटर्स ऑन द मून. एज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम टेलीस्कोप इज़ नॉट सफिशियंट. अब सारी इंफॉर्मेशन जो टेलीस्कोप से हमें मिलती है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट टू स्पेस. अब है कि खाली टेलीस्कोप से ही जब हम सारी डिस्टेंस दूर की चीज़ें देखते थे तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती थी. तब इंसान ने क्या किया, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड होती हैं, वो सैटेलाइट्स भेजी स्पेस में, ताकि जब स्पेस में सैटेलाइट्स जाए तो स्पेस में क्या क्या है वो सैटेलाइट के थ्रू हमें नीचे बैठे पता चल सके. देखिए, फर्स्ट टेलीस्कोप मेड बाय गैलीलियो. तो ये जो टेलीस्कोप है इसकी हेल्प से गैलीलियो दूर की चीज़ें देखता था. अ बॉय ऑब्जर्विंग स्टार थ्रू टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप से हमारे जो दूर दूर स्टार्स हैं वो हमें आसानी से दिखाई देते हैं. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जितना आपने पढ़ा उस पे बेस्ड. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप. तो पहला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का क्या यूज़ है. तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीज़ों को आसानी से देखने के काम आता है क्लियरली. ओके, हु मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप. तो गैलीलियो अ साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप. हाउ मैनी लेंसेज, लेंसेज मतलब मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. कितने यूज़ होते हैं उसमें टेलीस्कोप में, टू. ओके, अब है कि स्पेस क्या होता है. द रीजन बियॉन्ड द ब्लैंकेट ऑफ एटमोसफियर. अब हमारे एटमोसफियर क्या है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो एटमोसफियर, उसके भी जो आगे एक ब्लैंक जो रीजन है, जो एक एरिया है, उसको क्या कहते हैं, स्पेस. एक्सप्लोरेशन का मतलब स्टडी टू लर्न अबाउट समथिंग. एक्सप्लोर मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी करना, चाहे वो कुछ भी हो, उसका मतलब होता है एक्सप्लोरेशन. ओके, तो ये तो मतलब हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन. नाउ अब हमारे पास टॉपिक है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अभी हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं. नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमने मून के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा था. तो मैन मेड सैटेलाइट्स आर सेट इन टू द स्पेस एंड कैप्ट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. तो जो मैन मेड सैटेलाइट है, जो इंसान ने सैटेलाइट्स बनाई हैं और उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, यानी वो एक ही ऑर्बिट में घूमती हैं, अपनी एक फिक्स स्पेस है. ऑर्बिट क्या होता है, एक ऐसा
मतलब आप सर्कल समझिए कुछ भी जो सिर्फ अपने जैसे प्लैनेट्स से अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चलते हैं, दूसरे के में नहीं घुसते। एक पाथ ऑन अक्टूबर, याद रखिए डेट्स, आपको ये सब याद रखनी है, ऑन अक्टूबर 4th 1957, सबसे पहले अक्टूबर 4th को 1957 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, वर्ल्ड का पहला मैन मेड सैटेलाइट क्या था, स्पुतनिक 1, ये रशिया ने बनाया था। क्या है स्पुतनिक, इसको पढ़ेंगे, स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च इनटू द स्पेस बाय द रशियंस। रशिया बहुत ज़्यादा आगे था इसलिए उसने सबसे पहला मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक मीन्स ट्रैवलर, स्पुतनिक का मतलब होता है रशिया में, स्पुतनिक मीन्स ट्रैवलर, यानी जो ट्रैवल करता है इन रशियन लैंग्वेज। इट वेंट राउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 900 किलोमीटर, वो अर्थ से 900 किलोमीटर दूर गया। सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स आर कैप्ट इन एन ऑर्बिट इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ अ रॉकेट कॉल्ड लॉन्चिंग व्हीकल। अब है लॉन्च का मतलब किसी चीज़ को लॉन्च करना यानी इसको स्टार्ट करना, तो अब है कि सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स आर कैप्ट, स्पेसशिप्स आर कैप्ट इन एन ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में एक अपने फिक्स पाथ में चलते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट कॉल्ड लॉन्चिंग व्हीकल। तो देखिए ये यहाँ पर आपके लॉन्च व्हीकल है, है ना, और इसमें यहाँ आपके क्या जा रहे हैं, सैटेलाइट जा रहे हैं ना, तो ये एक फिक्स पाथ पे चलते हैं और ये ऐसे तो सैटेलाइट वहाँ जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं उनको लॉन्चिंग व्हीकल जैसे रॉकेट होते हैं उसके ऊपर उनको फिक्स किया जाता है और उनको स्पेस में भेजा जाता है। द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ स्पुतनिक 1 क्रिएटेड ट्रिमेंडस एक्साइटमेंट, और जब पहली बार 4th अक्टूबर 1957 को जब सैटेलाइट गया तो उसमें बहुत ही एक्साइटमेंट था। सिंस देन हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च, और उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जो अलग अलग जानकारी स्पेस की हमें पहुंचाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग द स्पेसशिप्स इनटू स्पेस इज दैट द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब है कि द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग द स्पेसशिप्स इनटू स्पेस इज, है ना, किसी भी चीज़ को जब हम स्पेस में भेज रहे हैं स्पेसशिप से ही भेजो तो दिक्कत क्या आती है कि जो हमारी अर्थ है आपको पता है कि वो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। सो अ ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू सेंड एनी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हमारी धरती से अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, है ना, दूर फेंकते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज मेड अवेलेबल टू द रॉकेट्स बाय द फ्यूल दे यूज, तो जब ये फोर्स है तो ये कहाँ से आता है, जो रॉकेट्स हैं इनमें फ्यूल डाला जाता है। आप लोगों ने कई फिल्में देखी हैं इस पर, एक विद्या बालन की भी जो फिल्म थी उसमें भी आपने देखा है कि रॉकेट लॉन्चर में क्या होता था, फ्यूल लगाया जाता है, कोई भी तेल यूज़ किया जाता है, है ना, और उसके बाद उनको भेजा जाता है क्योंकि इनको बहुत फोर्स चाहिए और फोर्स लगने की वजह से ही लॉन्च कर सकते हैं, और ये लॉन्च करने में दिक्कत आती है ड्यू टू हमारी जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से, है ना। और लॉन्चिंग व्हीकल मतलब वो व्हीकल जिसके द्वारा हम स्पेस में एक फिक्स ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी आपने किए हैं। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आर्टिफिशियल मतलब कोई भी चीज़ जो मैन बनाएगा, सो मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग यानी जो किसी चीज़ को लॉन्च करता है, भेजता है, तो लॉन्चिंग व्हीकल्स आर क्या है, रॉकेट्स विच कैरी सैटेलाइट टू प्लेस देम इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उनमें जो सैटेलाइट्स रॉकेट्स होते हैं जो उन सैटेलाइट्स को उन फिक्स ऑर्बिट पे पहुंचाते हैं। फिर से सुनिए, व्हाट इज़ अ लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट्स हैं। देखिए जैसे यहाँ पिक्चर में था कि इन पे हमने ये लॉन्चिंग व्हीकल हैं, ये रॉकेट की तरह हैं और ये क्या करते हैं सैटेलाइट्स को एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे अराउंड द अर्थ पहुँचाते हैं। नेम द फर्स्ट रशियन सैटेलाइट लॉन्च इन स्पेस, स्पेस में पहला कब गया था, 4th अक्टूबर 1957 को, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, मतलब ट्रैवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन सेंडिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम द अर्थ, सो द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन सेंडिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम द अर्थ इज अर्थ पुल ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबको खींचती है इसलिए ये एक प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।